मध्य प्रदेश के दतिया भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधोलियो ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि बीते 6 महीनों में समृद्ध मध्य प्रदेश को कांग्रेस सरकार ने अशांति, अपराध और हिंसा का गढ़ बना दिया है। सरकार की 6 माह के नाकामी बताते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधोलिया आज बीजेपी कार्यालय पर पत्रकार वार्ता कर सूबे में कमलनाथ सरकार के खिलाफ किसानों से किए वादे, ऋण माफी योजना, बिजली व्यवस्था, भ्रष्टाचारी, ट्रांसफर उद्योग, खनन उद्योग, गेहूं पंजीयन में धांधली, गेहूं उपार्जन संबल योजना सहित सभी योजनाओं पर बीते 6 महीने में कांग्रेस सरकार ने अपने वचन को पूरा न करते हुए अपनी उपलब्धि बता रही है, जबकि सरकार केवल अपने कागजों के ऊपर अपने वचन पत्र को पूरा कर रही है। वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश में 500 से ज़्यादा IAS, IPS के तबादले अब तक हो चुके हैं। 50 से ज़्यादा कलेक्टर और SP के तो पिछले 6 महीने में 2 बार से ज़्यादा ट्रांसफर हो चुके हैं। पत्रकार वार्ता में बीजेपी कार्यकर्ता, शहर अध्यक्ष गोविंद ज्ञानयानी, राधाकांत अग्रवाल सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दतिया से राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। आप सब फील्ड में रहते हैं, कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ को आप भी सुनते हो। 6 महीने में 90% या 10% भी काम नहीं हुआ है। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। हाँ, 90% जो हुआ है काम, वो मैं बताता हूँ। चोरी, डकैती, लूट, हत्याएं, रेत का कारोबार, गेहूं पंजीयन में धोखाधड़ी, किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, ये बढ़ोतरी हुई है। 90% इस कार्य में वो सफल हुए हैं। आगे ट्रांसफर उद्योग, उसमें 100% हैं वो। 2 महीने से ज़्यादा कलेक्टर नहीं रह पा रहा है कहीं भी। आप देखिए, SP नहीं रह पा रहा है, दरोगा नहीं रह पा रहा है। हर जगह ट्रांसफर, जहाँ भी आप जाओगे, जिस भी मंत्री के बंगले पे जाओगे, केवल ट्रांसफर की बात। तो आप सब देख रहे हो। इसी दृष्टि से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि हम विरोध करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। 6 महीना का इनने जो समय लिया था कि हम सारे काम करेंगे, समय तो लिया था उन्होंने कि मैं 10 दिन में CM बदल दूंगा अगर किसानों के कर्जा माफ़ नहीं हुए। 10% भी किसानों के कर्जा माफ़ नहीं हुए हैं। यहाँ पे क्या नाकामियाँ, स्थानीय नाकामियाँ क्या है? स्थानीय यहाँ जैसे चोरी, लूट, डकैती, ये हत्याएँ, किसानों के साथ धोखाधड़ी, हमारे किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है, युवाओं के साथ जो 4,000 रुपये देने का वादा किया था, एक भी वादा कमलनाथ सरकार ने पूरा नहीं किया है। गुना पुलिस अधीक्षक